हेलो फ्रेंड्स, यूके नीटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ उसे आप ऑल प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, बेबीज के लिए, और इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप, मफलर, शॉल आदि पे डाल सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 2 के मल्टीपल में फंदे डालने, प्लस 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा डालने, यानी कि 2 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे और 2 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे। 10 नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। और 6 रोज का हमारा ये पैटर्न है। ये देखिए, ये बैक साइड से कुछ इस तरह से आएगा हमारा पैटर्न। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो। अब देखिए फर्स्ट रो में ये एक्स्ट्रा फंदा उतार लेना है और फ्रंट साइड से हमने फर्स्ट रो को सीधा बुनना है। ये ऐसे ये देखिए ऐसा सीधा बुनते हुए हम फ्रंट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए धागा पीछे कर लेंगे। देखिए ये नेक्स्ट 2 फंदों पे पैटर्न बनेगा। तो देखिए ये 2 फंदे आगे करने हैं और यहाँ बीच से, ये देखिए यहाँ बीच से हम सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बना और देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये 2 का 1 कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट फंदों पे हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। ये 2 फंदे आगे किए और ऐसे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। फिर देखिए इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुन लेना है। ये देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट यही प्रोसेस रिपीट होगा। ये देखिए, बैक साइड से हमने यही प्रोसेस रिपीट करते हुए अपनी सेकेंड रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए ये 2 फंदे आगे कर लेने हैं और यहाँ बीच से, देखिए जो ये होल दिखाई दे रहा है इसके बीच से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। और देखिए ये 2 फंदे हमने एक साथ बुन लेने, धागा पीछे रहेगा। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। इस होल में हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और देखिए ये 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, धागा पीछे ही है। और ये देखिए 2 का 1 कर दें। फिर देखिए नेक्स्ट यही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये फंदे हमने थोड़ा लूज बुनने हैं दोनों साइड से। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई।
अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए ये दो फंदों में से पहला फंदा बिना बुने उतार लेना है, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा बुन लेंगे, फिर देखिए धागा पीछे ही रहेगा। और देखिए दो फंदों में से पहला फंदा ऐसे बिना बुने उतार लेंगे और देखिए नेक्स्ट फंदा बुन के उतारेंगे, फिर देखिए धागा पीछे ही रखना है और देखिए नेक्स्ट फंदा। ये हमारे दो फंदे हैं, इनमें से देखिए पहला वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और सेकंड नंबर का फंदा बुन के उतारेंगे। ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और नेक्स्ट फंदा बुन के उतारेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने बैक साइड से फोर्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और फिफ्थ रो को हमने सीधा बुनना है। इस तरह सीधा बुनते हुए फिफ्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए नेक्स्ट फंदे हमने उल्टे बुनने। इस तरह हम बैक साइड से अपनी सिक्स रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवन रो। अब सेवन रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।